सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम हिंदी व्यंजन अड और इण कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे। सबसे पहले हमेशा की तरह हम पहले इसका अभ्यास रेत में करेंगे और उसके बाद कार्य पुस्तिका में। चलो देखते हैं इसे रेत में कैसे लिखा जाता है। अब हम सीखेंगे ड को रेत में कैसे लिखा जाता है। एक सीधा डंडा, उसको दिया मोड़, एक बार और दिया मोड़, ऊपर लगा दी छत। ध्यान रहे यहाँ पर लगेगा एक बिंदु, ये है ड। रेत में लिखने के बाद हम देखेंगे ड को कार्य पुस्तिका में कैसे लिखते हैं। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको हर बार बताया जाता है, हिंदी की कार्य पुस्तिका में कितनी रेखाएं हैं? 5। लेकिन व्यंजन लिखने के लिए हम बीच की 3 नीली रेखाओं का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे एक खड़ी रेखा, उसको दिया मोड़, एक बार फिर मोड़ेंगे और ऊपर लगा देंगे छत। लेकिन ध्यान रहे ड के साथ में यहाँ पर एक बिंदु लगता है। ये कभी भी किसी भी शब्द के शुरू में नहीं आता, हाँ शब्द के बीच में इसका प्रयोग होता है, जैसे सड़क। देखेंगे इया को रेत में कैसे लिखा जाता है। एक आधा गोला, इस नीचे वाले गोले को हम लेके जाएंगे ऊपर तक, फिर एक रेखा और एक सीधी रेखा, ऊपर लगा दी छत, ये है इया। अब हम इसका अभ्यास, इया का अभ्यास अपनी कार्य पुस्तिका में भी करेंगे। तो देखते हैं पहले इया को कार्य पुस्तिका में कैसे लिखा जाता है। बच्चों, हम एक और व्यंजन बनाना सीखेंगे इया, उसको हम कार्यपुस्तिका में कैसे लिखेंगे देखते हैं। एक आधा गोला, लेकिन ध्यान रहे नीचे वाले गोले को इस नीली रेखा से छूना है, और एक टेढ़ी रेखा और एक और सीधी रेखा, और ऊपर लगा दी छत, इया। बच्चों, आज हमने 2 हिंदी व्यंजन लिखने सीखे, अड़ और इया। आप भी इसका अभ्यास रेत में बार बार करें ताकि आपको कार्य पुस्तिका में लिखते हुए मुश्किल ना आए और आपको आसानी हो। धन्यवाद।